नमस्कार, कुकिंग विद दीप्ति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और यूनिक रेसिपी जो कि बहुत ही हेल्दी है। ये आपको वेट लॉस करने में भी मदद करेगी। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है जो कि आपके हार्ट के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे मूली की एक बहुत ही अच्छी यूनिक रेसिपी मूली के साग। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मूली का साग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो मूली के पत्ते लिए हैं और 3 से 4 मूली को मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। अगर आपको मूली थोड़ी कड़वी लगती है, उसका छार लगता है, तो आप मूली को थोड़ी देर पानी में भिगो करके तब उसे कद्दूकस कीजिए। बिल्कुल भी तीखी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी उसका झाग नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैंने देखिए तड़के के लिए एक छोटे प्याज को बारीक कट के ले लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ कट करके ले ली हैं और 2-3 हरी मिर्ची ले ली है। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम एक पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल देंगे। हम सरसों के तेल का ही यूज़ करेंगे। सरसों के तेल में मूली का साग बहुत ही अच्छा बन के आता है। जब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1/4 चम्मच पचफोरन डालेंगे तड़के के लिए। और फिर हम इसमें बारीक कटी हुई ये लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। लहसुन को हम बिल्कुल डार्क ब्राउन होने तक भूनेंगे। इससे इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जब हमारा लहसुन अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज ऐड करेंगे। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे बस हल्का पिंकिश होने तक ही भूनना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियोज़ को देख पाए और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर पाए। बस देखिए, हमें प्याज को इतना ही पिंकिश होने तक ही भूनना है। जब हमारा प्याज देखिए पिंक हो गया है तब हम इसमें बारीक कटी हुई मूली के पत्ते और कद्दूकस किए हुए यह मूली को इसमें हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो मूली को कट करके भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कद्दूकस करके डाल रही हूँ, इससे देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम आपस में मिक्स कर लेंगे। देखिए, मिक्स करते टाइम ये थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ कर रहा है। जो कि साग है, मूली है, तो ये पानी रिलीज़ करेगा, इसलिए हम स्टार्टिंग में इसमें नमक नहीं डालेंगे। फिर हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसे कवर करके लगभग 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। देखिए, इसने पानी रिलीज़ कर लिया है। अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हम ध्यान रखेंगे, पहले नहीं डालेंगे, जब पानी रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद ही डालेंगे, नहीं तो नमक तेज़ हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करके वापस से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि जो भी पानी है वो रिलीज़ कर देगा और पानी इवोपोरेट हो जाएगा। देखिए, अब सारा पानी निकल चुका है। अब हम मूली के पत्तों को और मूली को यूं ही खोल करके भूनते हुए पकाएंगे। मूली हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है और ये हमें वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। एनीमिया में तो मूली बहुत ही फ़ायदा करती है। देखिए, बस इसे ऐसे ही अलटते पलटते हुए खोल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, बस अब हमारे मूली का साग बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। कितना अच्छा देखने में लग रहा है ये भुने हुए मूली के साथ। इन्हें आप चपातियों के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदेमंद है। हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होती है। लीजिए, हमारा मूली का साग बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल बहुत ही डाइट रेसिपी है, कम ही ऑयल में बहुत अच्छी तरह से अच्छे टेस्ट में बन जाती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से मूली के साग आप बनाइएगा और अपने फीडबैक आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।